हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में चेंज ऑनरशिप कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। बट उससे पहले आइए समझते हैं कि चेंज ऑनरशिप कमांड का क्या यूज़ है। तो चेंज ऑनरशिप कमांड इज़ यूज टू चेंज द ऑनर एंड ग्रुप ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज। तो चेंज ऑनरशिप कमांड का यूज करते हैं डायरेक्टरीज या फिर फाइल्स के ग्रुप को चेंज करने के लिए, या फिर डायरेक्टरीज और फाइल्स के ऑनर को चेंज करने के लिए। तो एवरी फाइल इज एसोसिएटेड विद एन ऑनरशिप ऑफ ए यूजर और ए ग्रुप। तो यूनिक्स या लाइनेक्स में जितनी भी फाइल्स होती है तो हर फाइल का कोई ना कोई ऑनर होता है और हर फाइल किसी ना किसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होती है। तो उस फाइल के अगर ऑनर को चेंज करना है या वो फाइल जिस भी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है उसके ग्रुप को चेंज करना है, तो ऑनर और ग्रुप को चेंज करने के लिए हम CHOWN चेंज ऑनरशिप कमांड को यूज करते हैं। तो सुपर यूजर परमिशंस आर नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द CHOWN कमांड। अब अगर आपको चेंज ऑनरशिप कमांड को यूज़ करके किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के ऑनर को चेंज करना है या फिर उसके ग्रुप को चेंज करना है, तो आपके पास आपको सबसे पहले सुपर यूज़र की लॉगिन लेनी पड़ेगी। मतलब सुपर यूज़र से आप लॉगिन करके ही चेंज ऑनरशिप कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको सुपर यूजर से लॉगिन करनी पड़ेगी इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अभी देखेंगे प्रैक्टिकली कि सुपर यूजर से हम कैसे लॉगिन करते हैं। नेक्स्ट जो है टू चेक द ग्रुप और टू चेक द ग्रुप और ऑनरशिप ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करेंट लोकेशन यूज कमांड। अब जो है आपके यूनिक्स या लाइनेक्स में जो भी फाइल्स है या डायरेक्टरीज है उस वो किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, उसका कौन सा ऑनर है, वो जानने के लिए हम ls -l कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ls -l कमांड क्या करेगा, आपके यूनिक्स या लाइनेक्स में जितनी भी फाइल्स या डायरेक्टरीज होगी, ठीक है, उसके डिटेल्स में बताएगा कि भाई इसका ऑनर का नाम ये है और इसके ग्रुप का नाम ये है और लास्ट में बताएगा ये वाली फाइल है। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर एक फाइल की मुझे जो है ऑनरशिप देखनी है और उसके ग्रुप का नाम देखना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके आप टाइप करोगे ls, इसके बाद -l, और जिस भी फाइल की ऑनरशिप या किस ग्रुप के साथ वो एसोसिएटेड है उस फाइल का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसी तरीके से एक दूसरी फाइल मैंने जो है चेक की है कि उसके ओनर का क्या नाम है और वो किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, तो मैंने टाइप किया है ls -l और एक फाइल का नाम दिया है मैंने abc। तो प्रीति और abc इन दोनों फाइल को यूज करके हम क्या करेंगे, प्रीति के ओनर जो है उसके ऑनर को चेंज करेंगे और एबीसी के ऑनर को चेंज करेंगे। मतलब प्रीति का जो ऑनर है उस ऑनर को एबीसी का ऑनर बनाएंगे और एबीसी का जो ऑनर है वो हम प्रीति का ऑनर बनाएंगे।
और प्रीति का जो ग्रुप है उस ग्रुप को हम एबीसी के साथ एसोसिएटेड करेंगे, और एबीसी का जो ग्रुप है उसको एसोसिएट करेंगे हम प्रीति के साथ। तो चलिए पहले इतना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, और जो है फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा जो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का ये वर्जन है। तो हमें जो है यहाँ पे CHOWN यानी कि चेंज ऑनरशिप कमांड को परफॉर्म करना है। तो इसके लिए मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि सुपर यूजर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप चेंज ऑनरशिप कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सुपर यूजर से लॉगिन करने के लिए आपको टाइप करना है SU और एंटर मारनी है। इसके बाद इसका पासवर्ड देना है, तो मेरा पासवर्ड ओरेकल है, तो मैं टाइप करूंगा ORACLE ओरेकल और एंटर। तो सुपर यूजर से मैं लॉगिन हो गया। कैसे पता चला? पहले जो है मेरा अनिल से था लॉगिन, अनिल यूजर से लॉगिन था, अब मेरा यहाँ पे रूट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये जो है क्या है, ये सुपर यूजर के लिए होता है। अगर रूट स्टार्टिंग में आ जाए तो मतलब आप सुपर यूजर से लॉगिन हो गए हो। अब जो है मुझे ये चेक करना है कि किस फाइल के साथ कौन कौन से ओनर और जो है कौन कौन सा ग्रुप एसोसिएटेड है। तो मैं टाइप करूंगा LS-L और एंटर करूंगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप सबसे नीचे जाएंगे तो XYZ ये फाइल का नाम है, और ये जो यहाँ पे दिखा रहा है ये इसके ग्रुप का नाम है, और ये जो दिखा रहा है ये जो है ये क्या है, इसके ओनर का नाम है, अनिल इस फाइल के ओनर का नाम है, ओ इंस्टॉल इस फाइल के ग्रुप का नाम है। इसी तरीके से आगे चल करके अगर हम मान लीजिए ये राज है, तो राज एक डायरेक्टरी है, तो इसके ग्रुप का नाम ओ इंस्टॉल है, अनिल इसके ओनर का नाम है, और ये एक डायरेक्टरी फाइल है। डी का मतलब डायरेक्टरी फाइल है, और RWX का मतलब है रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन है यूजर को, और रीड परमिशन है किसको, ग्रुप को, और एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, नहीं राइट परमिशन नहीं है, और एग्जीक्यूट परमिशन है ग्रुप को, और फिर अदर को रीड परमिशन है, राइट परमिशन नहीं है, एग्जीक्यूट परमिशन है। तो इस तरीके से ये जितनी भी है ये सारी की सारी फाइल्स के नाम है, और इधर ये सारे इसके ओनर और ग्रुप का नाम है। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। अब हमारे पास दो फाइल है, एक का नाम प्रीति है, दूसरे का नाम एबीसी है। तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले प्रीति के ओनर का क्या नाम है और प्रीति के ग्रुप का क्या नाम है। तो हम टाइप करेंगे LS-L और प्रीति, ठीक है। ये बता रहा है ये गलत हो गया, क्योंकि प्रीति की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। और LS-L और प्रीति में PREETY प्रीति, ठीक है। अब ये दिखा रहा है यहाँ पे कि प्रीति क्या है, ये एक फाइल का नाम है, इसके बाद इसके जो है ओनर का सॉरी जो ग्रुप है इसका जो ग्रुप है इसके ग्रुप का नाम DBA टीम है, और इसके ओनर का नाम राम है, ठीक है। एक और फाइल है हमारे पास ABC, उसको भी चेक कर लेते हैं, LS-L ABC ये आ गया यहाँ पे। ये जो है ये फाइल का नाम है ABC, और ये इसके ग्रुप का नाम है ओ इंस्टॉल, और ये इसके ओनर का नाम है। तो इस तरीके से हम जो है LS-L और इसके बाद फाइल का नाम दे करके हम चेक कर सकते हैं कि उसके ओनर का नाम क्या है और उसके ग्रुप का क्या नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट जो है यहाँ पे, नेक्स्ट है हाउ टू चेंज द ओनर ऑफ ए फाइल। अब जो है फाइल के ओनर को चेंज करना है, तो फाइल के ओनर को चेंज करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने यूनिक्स या लाइनेक्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है CHOWN, CHOWN, और इसके बाद एक न्यू यूज़र देना है, मतलब नया ओनर देना है किसी फाइल नेम के साथ। कोई भी एक फाइल नेम ले लेंगे और यहाँ पे एक नया ओनर का नाम देना है तो वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करते हैं, फिर ये समझ में आएगा। तो ये है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे CHOWN, चेंज ऑनरशिप कमांड का नाम देंगे CHOWN, और इसके बाद यहाँ पे हम देंगे एक न्यू यूज़र। मान लीजिए ये प्रीति है, ये प्रीति है, ठीक है, ये प्रीति है, और इस सॉरी ये प्रीति है यहाँ पे, और इस प्रीति का जो ओनर है वो राम है, और ये जो ABC है, ABC जो है इसका ओनर है अनिल। तो मैं क्या करूँगा, प्रीति का जो ओनर है, प्रीति का जो ओनर है ये राम, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी जगह पे अनिल कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं न्यू यूज़र ले लेता हूँ, मैं न्यू यूज़र ले लेता हूँ अनिल, यानी कि प्रीति का जो अभी ओनर है उसका नाम है राम। अब मैं प्रीति का ओनर करना चाहता हूँ अनिल, तो अनिल टाइप करके और PREETY कर देंगे और एंटर मार देंगे, और अब हम प्रीति का देखेंगे LS-L, और प्रीति यहाँ पे डालेंगे और देखेंगे तो प्रीति का जो ओनर है यहाँ पे, प्रतीक का जो ओनर है पहले राम था, अब प्रतीक का ओनर अनिल हो जाएगा। ये मैंने एंटर कर दिया, तो अब जो है ये प्रति फाइल है और इस फाइल का ओनर जो है वो अनिल हो गया। दोबारा से हम अनिल की जगह पर राम कर लेते हैं, तो CHOWN चेंज ओनर, और इसके बाद हम राम कर देते हैं और प्रति कर देते हैं, और अब जो है चेक करते हैं LS-L प्रीति और एंटर। तो अब जो है प्रीति जो है यहाँ पे, प्रीति का ओनर फिर से यहाँ पे राम हो गया। तो इस तरीके से हम जो है चेक कर सकते हैं। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करके एक बार फिर से चला लेते हैं PREETY और LS-LABC। आगे देखते हैं, आगे जो है अगला, जो है अगला है हाउ टू चेंज द ग्रुप ऑफ ए फाइल। अब की बार क्या करना है, हमारे पास दो फाइल है, प्रीति नाम की फाइल है और ABC नाम की फाइल है, तो दोनों में एक एक ग्रुप होगा, तो ग्रुप को कैसे चेंज करेंगे। तो ग्रुप को चेंज करने के लिए फिर से हमें यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और CHOWN चेंज ऑनरशिप कमांड का नाम लिखना है और एक यूज़र का नाम लिखना है। उसके बाद जो है जो नया ग्रुप देना है उस ग्रुप का नाम लिखना है और इसके बाद फाइल का नाम देना है। तो जैसे प्रैक्टिकली अगर देखें तो CHOWN, और मान लीजिए एक ऑनर है, ABC फाइल है, उस ABC फाइल का ऑनर अनिल है, तो अनिल दे दिया, बट ABC फाइल का जो ग्रुप है वो DBA टीम नहीं है, ओ इंस्टॉल है। तो हम क्या करेंगे, ओ इंस्टॉल के जगह पे DBA टीम कर देंगे, तो इसका ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करते हैं तो ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्रीति है और प्रीति है तो इसका जो ग्रुप है, प्रीति नाम की जो फाइल है ये DBA टीम के साथ एसोसिएटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, और ये जो है यहाँ पे ABC जो फाइल है,
ये ओ इंस्टॉल नाम के ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, तो हम क्या करेंगे, प्रीति नाम के फाइल, प्रीति नाम का जो फाइल है, प्रीति नाम की जो फाइल है उसका जो ग्रुप है डीबीए टीम है, तो इसको हम ओ इंस्टॉल ग्रुप करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए CHOWN चेंज ऑनरशिप, और प्रीति का जो ऑनर है राम वो राम ही रखेंगे, RAM राम, और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। और प्रीति का जो ग्रुप है डीबीए टीम है, बट इस डीबीए टीम को हम चेंज करना चाहते हैं ओ इंस्टॉल करेंगे, तो OINSTALO ओ इंस्टॉल और प्रीति को रखेंगे और एंटर मारेंगे, और इसके बाद LS-L और प्रीति करेंगे, प्रीति। तो यहाँ पे प्रीति है, यहाँ पे प्रीति का जो ग्रुप है ये प्रीति है, और प्रीति का जो यहाँ पे ग्रुप है उसका नाम है DBA, बट मैंने चेंज किया इसको ओ इंस्टॉल में, तो ये मैंने चेंज किया है, तो प्रीति और इसके ग्रुप का नाम ओ इंस्टॉल आ गया। अब मैं फिर से चेंज कर देता हूँ डीबीए टीम में, तो CHOWN चेंज ऑनर, और प्रीति के ऑनर का नाम है राम, और इसके प्रीति के ग्रुप को मैं चेंज करना चाहता हूँ ओ इंस्टॉल से मैं डीबीए टीम करना चाहता हूँ, तो मैं टाइप करूँगा DBA टीम और फाइल का नाम दूंगा ये, और एंटर मारूंगा, और LS-L और प्रीति। तो अब जो है प्रीति जो है ये डीबीए टीम यानी कि इस वाले ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हो गई। तो ये था जो है CH ओनरशिप कमांड का यूज, तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये हमने देखा पूरा का पूरा चेंज ओनरशिप कमांड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।